पूर्णियापुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में बने महिला स्वयं सहायता समूह के दुकानदारों पर अवैध कब्जा को लेकर पूर्णियापुर प्रखंड मुख्यालय सभागार में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ प्रखंड प्रमुख जियाउल हक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद, पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र सहनी, उप प्रमुख ललन सिन्हा मौजूद रहे। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद ने स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव से दुकान संबंधित सारे दस्तावेज का सत्यापन के लिए कागजात जमा करने को कहा, जिसमें लगभग 41 स्वयं सहायता समूह को आवंटित दुकानों के कागजात का सत्यापन किया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि सभी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को 3 दिन के अंदर दुकान आवंटन से संबंधित सभी कागजात के सत्यापन हेतु कार्यालय में जमा करना है, जिसमें मुख्य रूप से बैंक द्वारा लोन लिए हुए सहायता समूह के अध्यक्ष को बैंक का नोट यूज पेपर जमा करना अति आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन स्वयं सहायता समूह के द्वारा सरकार के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है, अगर जांच में पाया गया तो उनकी निबंधन को त्वरित कार्रवाई करते हुए रद्द किया जाएगा। आज स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक किया गया, किन किन बातों पर चर्चा किया गया? आज जो हमारी स्वयं सहायता समूह के लोगों के साथ बैठक हुई, इनके द्वारा SDRY के तहत जो निर्मित दुकानें हैं उनका संचालन किया जा रहा है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दुकान जो समूह को आवंटित है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसका सत्यापन भी कराया गया, लेकिन पुनः इनको एक मौका देते हुए और इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और साथ ही संपूर्ण तरीके से सत्यापन हो, उनके कागजात का भी सत्यापन हो, इसके लिए हम लोगों ने टीम बना दिया है। आज की बैठक में ही हमारी 3 टीम है जो सभी बैठ करके जो यहाँ आए हुए समूह के लोग उनके कागजात का सत्यापन करेंगे और सत्यापनोपरांत जो कागजात सही पाए जाएंगे उनका नियमितीकरण होगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा और साथ ही जो गलत पाए जाएंगे उनका इकरारनामा रद्द करते हुए उनका आवंटन कैंसिल। कागज का सत्यापन के लिए कितने दिनों का समय दिया गया? वर्तमान में आज जितने लोग आए हुए हैं उनको अभी मौका दे रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों ने मंगलवार तक का समय रखा है कि मंगलवार तक अंतिम रूप से सभी लोग सत्यापन करा लें। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।